जी हाँ दोस्तों, अब आपका टिकटॉक भी होगा मोनेटाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। पहला टॉपिक, हम दो टॉपिक को आज इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। पहला कि टिकटॉक चैनल, आपका टिकटॉक अभी मोनेटाइजेशन सिस्टम होगा, जो यूट्यूब पे चल रहा है मोनेटाइजेशन, वैसा सेम फंडा होगा आपके टिकटॉक में भी। और दूसरा टॉपिक बात करेंगे, टिकटॉक अब तक प्ले स्टोर में क्यों नहीं आया और ये प्ले स्टोर में कब तक आएगा, ये दोनों टॉपिक पर हम बात करेंगे। और आज काफ़ी ज़बरदस्त टॉपिक है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना अगर आप भी चाहते हो कि टिकटॉक पर मोनेटाइजेशन सिस्टम हो या मोनेटाइजेशन के माध्यम से अर्निंग हो और टिकटॉक बहुत जल्दी प्ले स्टोर में आ जाता है। इन दोनों के टॉपिक में आज बात करें दोस्तों। तो दोस्तों, आज बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनने वाली है, सबसे अलग और सबसे यूनिक और सबसे अच्छी तरीके से मैं बताने वाला हूं। और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और कुछ हाल ही में आपने सुना है वो टिकटॉक बैन के बारे में, कुछ इसके रियलिटी में बताने वाला हूं, क्या सच में कुछ दिन रहेगा या कुछ बैन हो जाएगा, ये सारी रियलिटी में इस कवर करने वाला हूं। टिकटॉक से रिलेटेड सारा टॉपिक मैं इस वीडियो में लगभग मैं कवर ही करने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से देखिए। अगर चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब साथ में प्रेस। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहला अगर टॉपिक की बात करें दोस्तों, टिकटॉक चैनल आपका मोनेटाइजेशन होगा या नहीं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि टिकटॉक के लिए ऐसा कुछ नहीं है। टिकटॉक भी पूरी मेहनत लगा हुआ है अपनी पॉलिसी बनाने में, अपनी प्लेटफॉर्म को पूरी साफ सुथरा बनाने में। कहीं ना कहीं दोस्तों, टिकटॉक पे हाल ही में अगर आप नहीं जानते हैं टिकटॉक के ऊपर क्या बातें बीती थी, क्या हमारी टिकटॉक वापस आगे बैन होते होते बच गया दोस्तों, इसके बारे में रियलिटी बताऊंगा कि टिकटॉक पे कुछ ऐसे पोर्नोग्राफी से कुछ सेक्सुअल कंटेंट यूज किए जा रहे थे, जिसकी वजह से मद्रास सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि इसे बैन किया जाए इस एप्लीकेशन को। लेकिन कुछ भगवान की वजह से, कुछ भगवान से रिक्वेस्ट की वजह से और बहुत सारे पेशेंस रखने की वजह से ये हमारा टिकटॉक वापस आ गया। और टिकटॉक अभी तक हमारे वापस रहेगा और सब दिन रहेगा और था और रहेगा और हमारे बीच रहेगा, कभी भी बैन नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी तरह से रियलिटी है और मैं जो बता रहा हूँ पूरी तरह से 100% सच्चाई है दोस्तों, कि टिकटॉक ने एक ऐसा पॉलिसी निकाल दिया है जिसकी वजह से ये अब तक सारे दिन रह सकता है। वो कैसे? तो दोस्तों, इस पर क्या हुआ, अब सेक्सुअल कंटेंट यूज नहीं किया जाएगा। अगर वो करता है यूज़ तो फाइनली उसका हो सकता है कि अभी तक ये पॉलिसी आई नहीं है, लेकिन इसके ऊपर काम चल रहा है। जैसे ये पॉलिसी आपके टिकटॉक में अपडेट होकर आ जाएगी तो फाइनली आपको इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर टिकटॉक काम कर रहा है कि यूट्यूब इसके गाइडलाइन निकाली जाए, कम्युनिटी गाइडलाइन निकाली जाए कि किस किस तरह का कंटेंट इस पर यूज किया जाए। अगर कोई वायलेशन, कोई सेक्सुअल कंटेंट यूज करता है तो फाइनली उसका वहाँ से चैनल ही टर्मिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन इस तरह का मुझे कुछ लग रहा है कि होना चाहिए, और ये अगर हो जाता है तो काफ़ी बेटर रहेगा। और ये टिकटॉक काफ़ी ज़बरदस्त मेहनत तरीके इस पर मेहनत कर रहा है काफ़ी अपना प्लेटफॉर्म को साफ सुथरा बनाने में, और बहुत जल्द ऐसा सिस्टम आपको प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। हाँ, बात रही यहाँ पे मोनेटाइजेशन के लिए, तो टिकटॉक कहीं ना कहीं दोस्तों, ये मोनेटाइजेशन उसके लिए कुछ नहीं है, वो जब चाहे तब वो ला सकता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत उसकी करनी पड़ेगी। हो सकता है साल दो साल के अंदर ये फाइनली आपको टिकटॉक के अंदर मोनेटाइजेशन देखने को मिलेगा। तो हाल ही में आप समझते हैं यूट्यूब पे इतना कंपटीशन बढ़ गया, यूट्यूब पे इतना यूजर बढ़ गए, तो वो भी फाइनली मोनेटाइजेशन के सिस्टम के लायक हो गया। तो टिकटॉक कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर 100 मिलियन यूजर है तो कहीं उसके लिए कुछ है ही नहीं। वो फाइनली चाहे तो वो अपना टिकटॉक पे मोनेटाइजेशन सिस्टम ला सकता है। वो आपको एक साल के अंदर या दो साल के अंदर फाइनली देखने को मिल जाएगा मोनेटाइजेशन वाला सिस्टम, ये तो 100% है। क्योंकि दोस्तों, अभी 100 मिलियन से ज़्यादा यूजर है इस पे, तो इसी तरह टिकटॉक भी अपना प्लेटफॉर्म को साफ करने में लगा हुआ, और फाइनली आपको एक दो साल के अंदर मोनेटाइजेशन सिस्टम इसमें देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे दूसरी टॉपिक, टिकटॉक प्ले स्टोर पे अब तक क्यों नहीं आया और कब आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, टिकटॉक बहुत जल्दी लेटेस्ट वर्जन के साथ आने वाला है। कहीं ना कहीं दोस्तों, इस पे जितने वायलेशन को सेक्सुअल कंटेंट थे सारे को टिकटॉक अभी जो है फिलहाल उसे पुरानी टिकटॉक ही यूज कर रहे दे रहे हैं, और फाइनली लेटेस्ट वर्जन तब आ जाएगा जब टिकटॉक पे सारी गंदगी हट जाएगी, प्लेटफॉर्म पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अगर किसी तरह का कचरा है और गंदी वीडियो है पूरी तरह से, अगर किसी ने गंदी वीडियो को समझ सकते हैं दोस्तों, टिकटॉक ये सुप्रीम कोर्ट के मामले में इससे पहले उस टिकटॉक ने बहुत सारे गंदे वीडियो, करोड़ लाखों वीडियो उसने अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया दोस्तों, जिससे उसे थोड़ा घाटा भी हो रहा है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों, वो अपने प्लेटफॉर्म को साफ सुथरा बनाने के लिए इतना भी काफ़ी बहुत चीज़ कर चुका है। यहाँ पे बात रहे दोस्तों प्लेटफॉर्म हमारा कितना साफ सुथरा है, तो वो साफ सुथरा बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान आप ही लोग का और हम ही लोग का रहेगा। अगर आपको टिकटॉक पर बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलते हैं जो गंदी वीडियो, लगता है कि ये आपके खिलाफ है, आपको लग रहा है कि ये बहुत गलत है, और ये लग रहा है कि जिस तरह कूड़ा कूड़ेदान में फेंकते हैं उसी तरह आप यहाँ पे वीडियो भी आप कूड़ेदान में फेंक सकते हैं। वो कैसे? तो आप रिपोर्ट करके फेंक सकते हो। तो रिपोर्ट, अगर आपको इस वीडियो, कोई भी वीडियो पर लग रहा है इसकी गलती है, इस वीडियो में ऐसा यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा कंटेंट नहीं रहना चाहिए टिकटॉक पे, और हम ही और आप ही लोग इस प्लेटफॉर्म को साफ सुथरा बना के रख सकते हैं। और टिकटॉक हमें जरिया है, एक जरिया है जहाँ से आप एक मंजिल है समझिए, इस मंजिल के मकाम से आप पहुँच सकते हैं और यहाँ से आप रातों रात स्टार बन सकते हैं। तो इसके लिए फाइनली आपको, अगर आपको कोई भी गंदी वीडियो देखने को मिलता है टिकटॉक पे जो आपके कोई गाइडलाइन के खिलाफ है, तो फाइनली उस पर आप रिपोर्ट कीजिए और टिकटॉक फटाक उस वीडियो को जांच करेगा, उसके बाद उस वीडियो को डिलीट करेगा। तो दोस्तों फाइनली ये प्ले स्टोर पर अगर आप लोग को नहीं देखने को मिला, तो फाइनली एक दो दिन के अंदर फाइनली ये आपको लेटेस्ट वर्जन के साथ आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। और बहुत जल्दी ये टिकटॉक अभी अपनी मेहनत में लगा, और प्लेटफॉर्म जैसे साफ सुथरा बन जाता है, सारा चीज नया नया वर्जन आ जाता है, कंटेंट अच्छी अच्छी गाइडलाइन आ जाती है, गाइडलाइन के साथ ही आएगा लेटेस्ट वर्जन आपको प्ले स्टोर पर। हाँ दोस्तों, टिकटॉक अभी पूरी तरह से मेहनत में लगा, जिस तरह वो गाइडलाइन निकाल लेता है फाइनली सारा चीज कंप्लीट हो जाता है, फटाक से वो प्ले स्टोर पर भी दे देगा और ट्रेंडिंग में देखने को मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर। तो दोस्तों
यहाँ पे ये थे कुछ तीन दो तीन कवर दोस्तों मैंने आपको जो बताया। तो दोस्तों फाइनली प्ले स्टोर पर भी आ जाएगा और टिकटॉक बहुत एक दो साल के अंदर फाइनली मोनेटाइजेशन सिस्टम इसमें भी हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग इस इतना अच्छा प्लेटफॉर्म को कहीं आप थोड़ा गंदगी मत फैलाना और अच्छी तरीके से काम करना। अगर आप भी चाहते हो मेरा भी टिकटॉक वीडियो देखना तो फाइनली दोस्तों मेरा भी टिकटॉक ये टिकटॉक मैं भी अपना आईडी बना रखा हूँ, लगभग अभी 135-140 वीडियो डाल चुका हूँ। और फाइनल इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं भोजपुरी को कुछ मिक्स कर रहा हूँ यानी भोजपुरी कंटेंट उसमें डाल रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको पसंद नहीं है तो कुछ सॉरी बात, तो वहाँ पे आपको लिखना, अगर आपको मेरा चाहते हैं मेरा आईडी टिकटॉक पे जाना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा नीचे में, वहाँ से सीधे मेरे आईडी पे चल जाइए। और आप अगर चाहते हैं सर्च लिखना नाम तो मेरा लिखिए मनीष आनंद लिखना है, मनीष आनंद लिखिए तो फाइनली मेरा एक नंबर में आईडी देगा चश्मा लगाने वाला, तो फाइनली वहाँ से मेरा सारे वीडियो को देख सकते हैं आप, टिकटॉक पर मुझे फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, प्लीज चैनल कर सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन प्रेस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।